नमस्कार, मैं प्रियरंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं मैप माय इंडिया न्यूली लिस्टेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को डिस्कस करने का मुख्य कारण ये है कि ये स्टॉक दो दिन पहले ही लिस्टेड हुआ है। लिस्टिंग के दिन ही चूंकि मार्केट ओवरऑल जो इम्पैक्ट था जो मार्केट का वो डाउनसाइडेड था, जिसके कारण इस स्टॉक में भी डाउनसाइड दिखा। लेकिन जितने रफ्तार से ये स्टॉक नीचे गया ठीक उसी के दोगुने रफ्तार से ये स्टॉक ऊपर आते हुए दिखा है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 1500 के प्राइस के आसपास ट्रेड होते हुए दिखा है। बहुत सारे आप में से लोग रहे होंगे जिनको ये आईपीओ अलॉट हुआ होगा। जिनको अलॉट हुआ है वो समझिए कि खुश नसीब है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बायर रहे होंगे जिन्होंने लिस्टिंग के बाद बाइंग करा है और उनका बाइंग 1400 के नीचे या 1450 के आसपास की बाइंग रही होगी। तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स को तो लगभग आप जान ही गए होंगे क्योंकि चूंकि ये आईपीओ में अभी अभी आया है। बाकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि पर्सनल ओवरव्यू इस स्टॉक को लेकर के हमारा क्या है। इस स्टॉक को देखें तो वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, 88 के पीई पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है। लेकिन इस समय एंट्री बैरियर है, कोई भी इस सेगमेंट का लिस्टेड कंपनी नहीं है। अगर इस कंपनी का कंपटीटर है तो वो गूगल मैप है। लेकिन आपको बता दूं कि दोनों का, गूगल मैप का जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट हम आप और आम लोग हैं, लेकिन माई मैप इंडिया का जो कंज्यूमर है वो बिजनेस टू बिजनेस है। आप कहेंगे कि हम लोग नॉर्मली मैप का यूज करते हैं तो बिजनेस क्या यूज करती होगी। इसको आसान भाषा में समझेंगे, जब भी ओला उबर कहीं भी आप जाते हैं तो नेविगेशन गाड़ी में लगा होता है, तो इसीलिए इसका जो क्लाइंट है वो हुंडई जैसी कंपनी है। साथ में आपको एक और चीज बता दें कि गूगल मैप जो है वो जैसे नॉर्मल लोगों के लिए ही है, लेकिन एप्पल फोन के अंदर जो नेविगेशन होता है वो अपना ही नेविगेशन होता है। और चूंकि गूगल उसका कंपटीटर है इसीलिए मैप माई इंडिया का यूज करती है और एप्पल भी इसका क्लाइंट है। ओवरऑल फंडामेंटली ये कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है अच्छा दिखता है, मार्जिन हाई है, इसीलिए इस स्टॉक को अगर आपको आईपीओ में अलॉट हुआ है या फिर आपने बाइंग करा है तो आपको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। जहां आप 1350 के आसपास के स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं और जहां ये स्टॉक इस समय 1500 के आसपास के प्राइस पे दिख रहा है, तो मेरा टारगेट इस स्टॉक को लेकर के डबल अगले 2 साल के अंदर ही जरूर दिखेगा। यानी 3000 प्लस का टारगेट प्राइस इस स्टॉक में बहुत जल्दी आने को देखते हुए जरूर मिलेगा। नमस्कार।